पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लाइन पार मुरादाबाद में महाराणा प्रताप लास्ट नायक की जयंती के तत्वावधान में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण से हुआ। मुख्य अतिथि डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त सदस्य विधान परिषद ने अपने उद्बोधन में कहा कि महाराणा प्रताप पूरे समाज के राष्ट्रनायक थे। उन्होंने राष्ट्र की माटी से प्रेम करते हुए मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। मुख्य वक्ता डॉक्टर हरवंश दीक्षित ने कहा कि राणा एक विचारधारा का नाम है जिसका अनुसरण आने वाली पीढ़ियां करती रहेंगी। समाज को घास की रोटी खाने वाले राणा की आवश्यकता है। डॉक्टर आनंद सिंह ने कहा कि राणा सर्व समाज को लेकर साथ चले, मेवाड़ के राजकीय चिन्ह से ये प्रमाणित होता है। एसपी सिंह ने कहा कि राणा जी का शौर्य पराक्रम हमेशा पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शैफाली सिंह चौहान ने कहा कि हमेशा राणा ने नारियों का सम्मान किया। इस अवसर पर एसडीएम कॉलेज की छात्राओं ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत और शौर्य गाथा से सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रेमवीर सिंह ने की। इस अवसर पर डॉक्टर बीबी सिंह, डॉक्टर एके सिंह, डॉक्टर अनुज कुमार सिंह के साथ वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। को संदेश दे रहा है महाराणा प्रताप कौन थे, क्या करते थे, उनका क्या अस्तित्व था, इस पर एक व्याख्यान माला हमने आयोजित किया जिसमें विद्वान आ रहे हैं, विद्वान अपने विचार रख रहे हैं, आप खुद भी देख रहे हैं, विद्वान अपने अपने आते हैं, वो महाराणा प्रताप पर शोध की बात कर रहे हैं, शोध से बता रहे हैं कि महाराणा प्रताप पराजित नहीं हुए थे, लोग द्रविड़ ने महाराणा प्रताप विजयी हुए थे, उसके लिए वो अपने तथ्य रख रहे हैं। तो हमारा इस कार्य का उद्देश्य महाराणा प्रताप के को वो रूप लाना है जो आज तक लोग नहीं लाते थे। आज तक जो पिछली वो लोग थे वो केवल हमें मुगलों का एक वर्णन सुनाया करते थे। हम आज राजपूतों का वर्णन सुनाना सुखे हैं, हम राजनायक का वर्णन सुना रहे हैं, हम राजनायक का कैसा होता है, कैसे है, इसको बता रहे हैं। राजनायक महाराणा प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का कार्यक्रम भी हमने आयोजित किया है। और इस अवसर पर हमारे जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त हैं, डॉक्टर शेफाली जी हैं और डॉक्टर हरवंश दीक्षित जी हैं, प्रेमवीर सिंह जी हैं, इन सभी लोगों का यहाँ विचार सुनने को मिलेगा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग अपने युवाओं को, जो युवा हमारे लोग हैं, उन लोगों को प्रेरणा देना चाहते हैं। सभी का आशीर्वाद मिलता है। मैं इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि इस कार्यक्रम में सभी ने अपना आकर यहाँ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। थैंक यू। महाराणा प्रताप के जन्म उत्सव के महोत्सव के उपलक्ष्य में आज आयोजित किया गया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे महाराणा प्रताप का जो शौर्य है वो न केवल क्षत्रिय समाज के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए, उन्होंने एक अपना स्वाभिमान जो आदमी को बचा के रखना चाहिए उसके लिए लड़ाई लड़ी, और स्वाभिमान की खातिर उन्होंने अपने चित्तौड़ की लड़ाई या हल्दीघाटी की लड़ाई में उन्होंने उन सीमित साधनों के साथ अपने आप को पराजित ना करते हुए, उन्हें समर्पण ना करते हुए अपने आप को उन्होंने सम्मान के प्रति बलिदान कर दिया। यह हमारे लिए क्षत्रियों के लिए गर्व की बात है और हम क्षत्रिय समाज इस पर अपना गर्व महसूस करते हैं। साथ ही ये उम्मीद करते हैं कि उनके इस आदर्श को पूरा देश इस उनके गौरवान्वित महसूस करे और हम उनके चरण, उनके अच्छे जितने भी उनके विचार हैं उनके उन पर चलकर देश को अच्छे स्वाभिमान के ऊपर ले जाएं और हम अपने देश को भी उसी गति से ऊपर ले जाएं जिस गति से उन्होंने अपने आचरणों को हमें सिखाया। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।